नकांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा। मान ले कि युद्ध में हमारी विजय हो जाए तो विजय होने से पूरी पृथ्वी पर हमारा राज्य हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा। पृथ्वी का राज्य मिलने से हमें अनेक प्रकार के सुख मिलेंगे, परंतु इनमें से मैं कुछ भी नहीं चाहता। अर्थात मेरे मन में विजय, राज्य एवं सुखों की कामना नहीं है। जब हमारे मन में किसी प्रकार की विजय, राज्य और सुख की कामना ही नहीं है, तो फिर कितना ही बड़ा राज्य क्यों न मिल जाए, पर उससे हमें क्या लाभ। कितने ही सुंदर सुंदर भोग मिल जाएं, पर उनसे हमें क्या लाभ। अर्थात कुटुंबियों को मारकर हम राज्य के सुख भोगते हुए कितने ही वर्ष जीते रहें, पर उससे भी हमें क्या लाभ। तात्पर्य है कि ये विजय, राज्य और भोग तभी सुख दे सकते हैं जब भीतर में इनकी कामना हो, प्रियता हो, महत्व हो। परंतु हमारे भीतर तो इनकी कामना ही नहीं है, अतः ये हमें क्या सुख दे सकते हैं। इन कुटुंबियों को मारकर हमारी जीने की इच्छा भी नहीं है, क्योंकि जब हमारे कुटुंबी मर जाएंगे तब ये राज्य और भोग किसके काम आएंगे। राज्य, भोग आदि तो कुटुंब के लिए होते हैं, पर जब ये ही मर जाएंगे तब इनको कौन भोगेगा। भोगने की बात तो दूर, उल्टे हमें और अधिक चिंता शोक होंगे। जय माता राम।